दोस्तों, यह भोला भाला आदमी जब छोटा था तब इसके बाप ने इससे कहा था, बेटा तू उसी लड़की से शादी करना जो कि दिखने में हॉट और सेक्सी हो और उसकी बड़ी बड़ी चूचिया और चिकनी पिछवाड़ा हो। इससे वो लड़का इतना मोटिवेट हो जाता है कि बड़ा होकर वो बदसूरत और मोटी लड़कियों को भाव तक नहीं देता। इसे बस एक खूबसूरत और सेक्सी लड़की की तलाश थी। इसी बीच एक दिन एक आदमी इसके ऊपर एक ऐसा टोना टोटका करता है जिससे हर बदसूरत लड़कियां इसे सनी लियोन से कम नहीं लगता। इस वहम की वजह से वो एक मोटी और भद्दी सी लड़की को पटा लेता है और उसकी खूबसूरती में डूबने लगता है। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें लेते हुए देखते हैं। तभी वो नर्स को बुलाकर उनसे कहते हैं कि जाओ बाहर एक गाय का बछड़ा खड़ा हुआ है, जाओ उसे बुलाकर लाओ। जिस वजह से डॉक्टर उस गाय के बछड़े को उस आदमी के पास लेकर आता है। उस गाय के बछड़े का नाम था हल और वो उस आदमी का बेटा है। उस आदमी के पास मरने के आगे अपने बेटे को सिखाने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन वो अपने बेटे से कहता है कि उसकी माँ के साथ उसकी शादी उसके जिंदगी का सबसे बड़ा भूल था और वो किसी भयानक सपने से कम नहीं। साथ ही साथ वो हल को लड़कियों की अंदर की खूबसूरती को देखकर नहीं बल्कि ऊपर की खूबसूरती यानी सेक्सी शरीर को देखकर शादी करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं, हल मरने से पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि तुम उसी लड़की से शादी करना जो दिखने में हॉट और कड़क माल हो, उसकी बड़ी बड़ी चूचिया होगी और पिछवाड़ा एकदम चिकनी होगी। अब इससे पहले कि वो हल को बाकी की कथा सुनाता तभी वो वहीं पर ही लुढ़क जाता है। हल अपने पिता के इस बात से काफी मोटिवेट होता है। आगे हम देखते हैं कि हल अब बड़ा हो चुका है और वो रोज क्लब में हॉट हॉट लड़कियों के साथ ठुमका लगाता है। उसके जिंदगी में मोटी और बदसूरत लड़कियों का कोई स्थान नहीं और वो उन्हें भाव तक नहीं देता। हर रोज वो क्लब में 50-60 लड़कियों को छेड़ने के बाद अपने ठरकी दोस्त मॉरिको के साथ उन लड़कियों के शरीर के बारे में चर्चा करता है। मॉरिको भी उसी के साथ रह रहकर उसी की तरह ही छोटी सोच का बन चुका था और उसने अपनी एक गर्लफ्रेंड को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसके एक पैर की उंगली थोड़ी टेढ़ी थी। यहाँ पर हॉल मॉरिको को अपनी एक नेबर जिल के बारे में बताता है और कहता है कि वो उसे डेट करने लगा है। रात को वो जिल के साथ मिलता है और उसके साथ प्यार भरी बातें करता है। जिल उसकी बातों से परेशान होकर उससे कहती है कि उसे उसके ऊपर थोड़ा भी अट्रैक्शन नहीं है और हल बहुत ही ईगो वाला इंसान है, जो सुनने के बाद भी हल को थोड़ा भी बुरा नहीं लगता। अगले दिन हल अपने ऑफिस में काफी एक्साइटेड होता है क्योंकि आज उसे प्रमोशन मिलने जा रहा था, लेकिन उसका बॉस उससे कहते हैं कि उसकी जगह पर वो प्रमोशन किसी दूसरे आदमी को मिल चुका है, जो सुनकर हल का मुंह सिकुड़ जाता है। आगे जब वो लिफ्ट से उतर रहा था तभी लिफ्ट में वो उसके कंपनी के एक बहुत ही मेहनती आदमी टॉनी रॉबिन्सन को देखता है जो उसी के साथ ही लिफ्ट में मौजूद था। इसी बीच जब वो दोनों वहाँ पर बात कर रहे थे तभी वो लिफ्ट अचानक खराब हो जाता है और वो दोनों उस लिफ्ट के अंदर ही फंस जाते हैं। अब जब तक वो लिफ्ट ठीक होता तब तक वो दोनों अंदर ही बैठकर एक दूसरे के साथ काफी बातें करते हैं और एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। टॉनी की जिंदगी एकदम टकाटक चल रही थी और वो एक लड़की से प्यार करता था, जो सुनने के बाद हल उससे उस लड़की के बारे में पूछता है कि वो लड़की हॉट है या नहीं, उसकी बड़ी बड़ी चूचिया और चिकनी पिछवाड़ा है या नहीं। हल की इन सारी बातों से टॉनी समझ जाता है कि हल को लड़कियों की अंदर की खूबसूरती नहीं बल्कि बाहर की खूबसूरती ज्यादा पसंद है। इसीलिए टॉनी हल को बिना बताकर उसके ऊपर एक टोना टोटका करता है और उससे कहता है, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। अब टॉनी के इस भयानक मंत्र की वजह से हॉल का लड़कियों के ऊपर ताड़ने का नजरिया बदल जाता है। वो लिफ्ट से निकलकर जिस भी बदसूरत लड़की को देख रहा था वो उसे हॉट और कमसिम कमरिया दिखाई दे रहा था। इसी बीच वो अपने ऑफिस के एक बदसूरत लड़की जो कि अभी उसे हॉट दिखाई दे रहा था उसके साथ कैब शेयर करता है और रास्ते में उसके ऊपर जी भर कर डोरे डालता है। वो लड़की उससे पूछती है, अच्छा तुम्हें आज क्या हुआ, रोज तो तुम मुझे कुत्तों की तरह भाव नहीं देते, तो आज ऐसे घूर क्यों रहे हो। हॉल कहता है, नहीं आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, क्या तुम मुझे तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर दोगी, जिसमें वो लड़की भी मुंह उठाकर उसे उसकी व्हाट्सएप नंबर दे देती है। रात को हल फिर से अपने ठरकी दोस्त मॉरिको के साथ क्लब में लड़कियों को ताड़ने के लिए जाता है। वहाँ पर हर मोटी और बदसूरत लड़कियां उसे हॉट और सेक्सी दिखाई दे रहा था, इसीलिए वो मुंह उठाकर उन लड़कियों के साथ नैन मटक्का करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ उसके ठरकी दोस्त मॉरिको जब वॉशरूम से वापस आता है तभी वो हल को मोटी बदसूरत लड़कियों को पकड़कर उछल कूद करते हुए देखता है। वो सोचता है कि अब इसे ये क्या बवासीर हो गया, जिन लड़कियों को ये कभी मुंह उठाकर देखता भी नहीं था आज कैसे उन लड़कियों के साथ ये ठुमके के ऊपर ठुमका लगाया जा रहा है। इसीलिए वो उसे पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगता है और कहता है कि तुम इन भैंसों के साथ क्या कर रहे हो। हल उसकी एक भी बात नहीं सुनता और फिर से उन लड़कियों के साथ ठुमका लगाने के लिए चला जाता है। इधर हल की नेबर जिल हल को उन बदसूरत लड़कियों के साथ ठुमका लगाते हुए देख लेती है और उसे काफी जलन होता है। अगले दिन हल जब गाड़ी चला रहा था तभी वो रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखकर उसके पीछे पीछे एक शॉपिंग मॉल के अंदर घुस जाता है। उस लड़की का नाम था रोजली और वो बहुत ही मोटी और भद्दी सी लड़की थी, लेकिन टोनी के टोने टोटके की वजह से हॉल का लड़कियों को देखने की नजरिया बिल्कुल बदल चुका था और उसे वो
पोते कमसिम कली नजर आ रहा था जो कि शॉपिंग मॉल में अपने लिए कच्ची खरीदने के लिए आई थी। हल उसकी कच्ची की साइज को देखकर कहता है, ये कौन से दानव के लिए खरीद रहे हो, तुम्हें तो 28 साइज की पेंटी खरीदनी चाहिए। जिसके बाद हल उसके ऊपर डोरे डालना शुरू कर देता है और उसकी तारीफ का पुल बांधने लगता है। रोजली पहले सोचती है कि हल उसके साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि आज तक उसके भारी भरकम शरीर को देखकर किसी ने उसकी तारीफ तो दूर की बात उसकी तरफ मुंह उठाकर देखा भी नहीं था। हल के लिए रोजली किसी परी से कम नहीं, इसीलिए वो उसके मुंह पर शायरी के ऊपर शायरी ठोकता है, जिससे रोजली को भी लगता है कि हल उसके प्यार में दीवाना है। आगे वो दोनों एक रेस्टोरेंट पर चाय पानी पीने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के बारे में जानकारी लेते हैं। रोजली बताती है कि वो बच्चों के हॉस्पिटल में काम करती है और उसे समाज सेवा करना बहुत पसंद है, जो सुनकर हल उसके ऊपर और भी इम्प्रेस होता है। इसी बीच रोजली की बातों से हल को पता चलता है कि हल जिस कंपनी में काम करता है, रोजली उस कंपनी के मालिक की बेटी है। यहाँ पर रोजली बिना मेनू कार्ड को पढ़े ही रेस्टोरेंट में मौजूद सारे खाने को ऑर्डर देती है, जो देखकर हल बहुत हैरान होता है, क्योंकि उसने आज तक जिन लड़कियों को डेट किया था वो रेस्टोरेंट पर सिर्फ चाय और सिर्फ सैलाड ही ऑर्डर करती थी। खैर, इसी बीच रोजली जिस कुर्सी पर बैठी हुई थी वो कुर्सी अचानक पिचक जाती है। ये देखकर हल वहाँ के मैनेजर के ऊपर चाइना कंपनी की कुर्सी इस्तेमाल करने के लिए भड़क जाता है, जबकि पूरा का पूरा दोष कुर्सी का नहीं बल्कि कुर्सी के ऊपर बैठी हुई उस भारी भरकम महिला की थी। खैर, डेट के बाद हल रोजली को अगले दिन उसके साथ फिर से डेट पर चलने के लिए पूछता है, जिसमें रोजली भी मुंह उठाकर उसे हाँ कह देती है। अगले दिन हल अपने साथ अपने ठरकी दोस्त मोरिको को भी रोजली के साथ मिलाने के लिए लेकर आता है। मोरिको वहाँ पर रोजली की भारी भरकम शरीर को देखकर हल को उससे दूर रहने के लिए कहता है और उसे गेंडा कहता है, लेकिन हल तो रोजली के प्यार में बिल्कुल अंधा हो चुका था, इसलिए वो अपने ठरकी दोस्त मोरिको की एक भी बात नहीं सुनता। आगे रोजली हल को बीमार बच्चों को दिखाने के लिए एक हॉस्पिटल में लेकर जाती है, जिसको वो देखरेख करती है। वो सभी बच्चे बीमार, अपाहिज, अपंग थे, लेकिन हल को वो सभी बच्चे बहुत ही खूबसूरत और प्यारा दिखाई दे रहा था, इसलिए हल उनके साथ उछल कूद करने लगता है। रोजली जब हल को उन बच्चों को प्यार करते हुए देखती है, तभी वो हल के ऊपर और भी इम्प्रेस हो जाती है। हल जब रोजली को अपने घर लेकर जाता है, तभी उसकी नेबर जिल हल को उस भारी भरकम रोजली के साथ देख लेती है। जिल हल से पूछती है, इसे कहाँ से उठा कर ला रहे हो तुम, जिसमें हल जिल से कहता है कि वो उसकी सपनों की रानी यानी उसकी गर्लफ्रेंड है, जो सुनकर जिल को बहुत जलन होती है। इधर हल रोजली को उसके घर आने के लिए कहता है, लेकिन रोजली उसके साथ उसके घर जाने से मना कर देती है, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि अकेला पाकर हल क्या पता उसकी पैंटी उतार दे। हल यहाँ पर उसे बहलाने फुसलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह रोजली उससे मिलने के लिए उसके घर पर आती है, क्योंकि उसे भी पिछली रात के करतूतों के लिए बुरा महसूस हो रही थी। इसके बाद से वो दोनों कई दफा डेट पर जाते हैं और एक दूसरे के साथ ही रहने लगते हैं। वो दोनों एक दिन चप्पू भी चलाते हैं, जिसमें रोजली के भारी भरकम शरीर की वजह से चप्पू 45 डिग्री एंगल पर झुका रहता है। आगे एक दिन रोजली हल को अपने साथ अपने घर पर लंच के लिए लेकर जाती है, जहाँ पर हल रोजली की पतली माँ को एक गलत शब्द कह देता है। वो कहता है कि रोजली को उसकी हॉट फिगर उसके माँ से मिली है, जबकि उसकी माँ काफी पतली है। खैर, खाना खाने के बाद जब हल रोजली के पिता के साथ अकेला बैठा होता है, तभी रोजली के पिता उससे कहते हैं, हल सच बताओ, तुम क्या रोजली से प्यार करते हो या फिर कंपनी में प्रमोशन के लिए उससे प्यार करने का ढोंग कर रहे हो। जो सुनकर हल उनसे कहता है, नहीं ससुर जी, मैं कोई ढोंग नहीं कर रहा, मैं रोजली से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसी की ही पैंटी उतारना चाहता हूँ। जो सुनकर रोजली के पिता चुप हो जाते हैं। उसी रात हल रोजली को अपने घर लेकर जाता है, जहाँ पर रोजली काफी नर्वस थी। हल यहाँ पर उसकी मनोबल को बढ़ाता है और उस रात वो उसकी पैंटी उतार कर ही छोड़ता है। अगली सुबह जिल रोजली को हल के घर से निकलते हुए देख लेती है और समझ जाती है कि अगली सुबह हल के रूम में क्या कुछ हुआ होगा। अब हल का एक ऐसी बदसूरत लड़की के साथ प्यार करना जिल की ईगो को हर्ट कर रहा था, इसीलिए वो ज्यादा देर ना करते हुए हल के ऊपर डोरे डालना शुरू कर देती है। वो रात को हल को उसके साथ वीडियो गेम खेलने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन हल उसकी इनविटेशन को रिजेक्ट कर देता है, जो सुनकर वो हैरान हो जाती है। इधर हल का ठरकी दोस्त मोरिको भी हल को एक मोटी लड़की के साथ देखकर हैरान में पड़ा हुआ था। वो हल से पूछता है कि वो कैसे इतना बदल गया, जिसमें हल उसे उस दिन लिफ्ट में हुए इंसिडेंट के बारे में और टॉनी रॉबिन्सन के बारे में बताता है। ये बात सुनते ही मोरिको मुंह उठाकर टॉनी के पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि उसने उसके दोस्त हल के ऊपर क्या टोना टोटका किया है, जिसमें पहले तो टॉनी उसे कुछ भी नहीं बताता, लेकिन बार बार गिड़गिड़ाने की वजह से वो उसे उस टोने टोटके के बारे में बताता है। साथ ही साथ वो उसे इस टोने टोटके से बचने के लिए एक उपाय भी बताता है और कहता है कि उसे बस हल को सेलोहल बुलवाना पड़ेगा और इसको बोलते ही ये टोना टोटका खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ हल रोजली के साथ पिज्जा बर्गर खाने के लिए एक रेस्टोरेंट पर आया हुआ था। वो दोनों जब बातें कर रहे थे, तभी फिर से रोजली की वजन से एक और कुर्सी टूटकर बिखर जाता है। इस चीज से हल उस रेस्टोरेंट के मैनेजर के ऊपर बौखलाकर उसे गालियां देने के लिए जाता है। इसी बीच उसे उसका ठरकी दोस्त मोरिको कॉल करके सेलोहल कहने के लिए कहता है और हल भी ये शब्द कहता है। अब कॉल को खत्म करके वो जब पीछे की तरफ देखता है, तभी उसे कहीं पर भी रोजली दिखाई नहीं देता, क्योंकि अब उसका लड़कियों को देखने का नजरिया बिल्कुल
बिल्कुल बदल चुका था, इसीलिए वो रोजली जो कि अभी उसके लिए मोटी हो चुकी थी उसे देखकर वो पहचान नहीं पाता। इसी बीच उसके ठरकी दोस्त मौरी को उसके पास आकर उसे अपने साथ लेकर जाता है और उसे राम कहानी बताता है। ये सुनकर हल को अपनी ठरकी दोस्त की बातों पर भरोसा नहीं होता। तभी उसे वही लड़की दिखने को मिलता है जिसके साथ उसने मूवी की शुरुआत में गाड़ी को शेयर किया था। उसका मुँह देख कर ही हल का ये शक यकीन में बदल जाता है कि जरूर उसके साथ कोई टोना टोटका हुआ था, क्योंकि उस दिन वो लड़की बहुत खूबसूरत थी और आज उसका मुँह किसी चाय के पतीले की तरह ही था। अब इस चीज से हल काफी पैनिक होकर रोजली को वहीं पर ही छोड़कर अपने घर वापस आ जाता है। इसके बाद से वो कुछ दिनों तक रोजली से नहीं मिलता और अपने काम में बिजी हो जाता है। एक दिन उसकी नेबर जिल उसे उसके साथ खाने के लिए एक रेस्टोरेंट पर लेकर जाती है, जहां पर वो उसे कहती है कि वो उसके बदले हुए बर्ताव की वजह से उससे प्यार करने लगी है, जो कहकर वो उसकी हाथ पकड़ लेती है। हल को यहाँ पर एहसास होता है कि वो जिल से नहीं बल्कि रोजली से प्यार करने लगा है। तभी उस रेस्टोरेंट पर रोजली भी अपना सड़ा हुआ मुँह और अपने फैमिली के साथ पहुँच जाती है और वो हल को एक पराई औरत के साथ हाथ पकड़ कर लुलू लुलू करते हुए देख कर बहुत दुखी हो जाती है। हल उसके पास से होकर ही गुजरता है लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाता। दरअसल हल रोजली को ही कॉल करने के लिए जा रहा था। खैर यहाँ पर वो उसे कॉल करके फिर से बहला फुसलाने की कोशिश करता है, लेकिन रोजली को उसकी काली सच्चाई के बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो उसे ब्रेकअप करती है। आगे हल रोजली से मिलने की बहुत कोशिश करता है और उसके हॉस्पिटल पर भी जाता है, लेकिन रोजली उसके साथ मिलने से इनकार कर देती है। इसी बीच एक दिन हल को पता चलता है कि उसके ठरकी दोस्त मौरिको के पीछे एक पूछ है जिसको ऑपरेशन करके बाहर निकाला नहीं जा सकता, इसलिए मौरिको अपनी गर्लफ्रेंड को बिना किसी वजह के छोड़ देता था। हल यहाँ पर मौरिको को उसके इस पूछ को गॉड गिफ्टेड कहकर उसे मोटिवेट करता है। आगे हल रोजली से मिलने के लिए उसे ढूंढते ढूंढते एक पार्टी में पहुँच जाता है, जहाँ पर वो उसे अपनी दिल की बात बताता है। रोजली पहले उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती, लेकिन वो भी उससे प्यार करने लगी थी इसलिए वो मान जाती है। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे की चुम्मी लेते हैं और हल रोजली को गोदी में उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे जब ये नहीं होता तभी उल्टा रोजली ही उसे गोदी में उठाती है। दूसरी तरफ मौरिको ने भी अपने लिए एक लड़की का जुगाड़ कर लिया था जिसको उसके पूछ से कोई भी दिक्कत नहीं थी। और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी समाप्त हो जाती है।